से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आप लगातार इस पूरे चुनाव को ग्राउंड जीरो से कवर कर रही हैं। आज एकदम आखिरी चरण का मतदान है और सुबह लंबी कतारें भी कुछ पोलिंग बूथ पर हम देख रहे हैं। क्या कुछ आप वहां देख पा रही हैं, भाव पा रही हैं? अगर लोगों से बात हो तो बताइएगा कि किन मुद्दों पर आज मतदान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये पट्टन विधानसभा है। पट्टन विधानसभा के पहले मेन जो शहर वहाँ पर हम मौजूद थे, वहाँ पर भी आपने लंबी लंबी कतारें देखी थी। नेहल पोरा है जो कि पट्टन का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पर भी सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दरअसल सुबह सवेरे लोग आते हैं, मतदान करते हैं और उसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं और ऐसी स्थिति शाम को रहती है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। सुबह सवेरे आप लोग लाइन में आकर के लगे हुए हैं, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है इस बार? विकास के नाम पर ही पड़ रहा है और यहाँ अमन हो, यहाँ प्रोग्रेस हो, हर शोबे में, हर मतलब फील्ड में यहाँ प्रोग्रेस हो, तो इससे मतलब कि स्टेट की है बढ़ोतरी होती है, इसका डेवलपमेंट सब चाहते हैं, रोज़गार मिल जाए, शांति मिल जाए, अच्छा अच्छा काम मिल जाए। हाँ, इसीलिए हम मतदान करते हैं, अपने अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और आराम से चुनते हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस बार थोड़ा जो लाइनें हैं वो बड़ी लंबी नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ सुबह सवेरे से लगे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, एक लंबे वक्त के बाद जब वोट हो रहा है तो अच्छा भी लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, इसलिए कि हमें पिछले 10 सालों से यहाँ मतदान नहीं हुआ, इस साल मतदान हुआ तो हम चाहते हैं कि अपना नुमाइंदा चुनेंगे ताकि वो हमारा काम करे और हमारा डेवलपमेंट हो जाए, बाकी जो काम है वो करे। एक लंबे वक्त के बाद मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कश्मीरी बोलते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं। आप बताइएगा कि एक लंबे वक्त के बाद जब यहाँ पर मतदान हो रहे हैं तो क्या कहेंगे? कश्मीरी, अच्छा आप बोलेंगे हिंदी में? ना। आप बताएंगे? इसको पता, उनको कश्मीरी आती है? हमको भी कश्मीरी आती है। अच्छा, चलिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जी। मैंने अपना वोट 7:05 डाला, हमने इसलिए वो डाला 5 अगस्त 2019 को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने गई, हम उसको वापस लाने के लिए वोट डाल रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए वोट डाल रहे हैं। और पिछले 30 सालों से जिसने यहाँ पर राज किया है, जो उसने कोई डेवलपमेंट यहाँ पर इस पटना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की, उससे भी हम आज़ादी चाहते हैं, यहाँ पर हम चेंज चाहते हैं। ये वोट जो हमारा है ये तब्दीली के लिए, ये चेंज के लिए, ये बदलाव के लिए वोट है। आपका ये गांव तो सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, ये एक लंबी लाइन लगी हुई है। आप लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार के? हमारे मुद्दे ये है, जैसे कि आपको पता है कि हम कश्मीरी है, तो कश्मीरियों के साथ जो अन्याय हुआ, आर्टिकल 370 हमसे छीना गया, आर्टिकल 35A हमसे छीना गया, जिससे कश्मीर की अलग स्टेटस थी, वो स्टेटस ही जब हमसे छीना गया तो हम किसी भी हिस्ट्री में भी मौजूद नहीं है। तो हम इसलिए आज वोटिंग बूथ पे आए सवेरे अपना काम काज छोड़ के, क्योंकि हमारा कश्मीर हमें फिर से मिले, क्योंकि हमारा आर्टिकल 370 हमें वापस मिलना चाहिए 35A, क्योंकि हमारे इंडिया डेमोक्रेसी कहती है कि किसी के हक छीनने का किसी को, अब वापसी के लिए वोट। हाँ, वापसी के लिए। डेवलपमेंट का मुद्दा भी यहाँ पर हावी है। हाँ, डेवलपमेंट भी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जब हमारी हुकूमत बनेगी यहाँ पर, कश्मीरियों की हुकूमत बनेगी, तो हमारी यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो जाएगा, हमारा हर एक एवरी एस्पेक्ट जो है वो हमारा वो जो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, उस वजह से क्या है, कश्मीर को फ्रूट की सन्नत है और हमारा फ्रूट जो है उसको टैक्स लगाया गया, उस पर इम्पोर्ट बाहर से उन्होंने फ्रूट लाया, महंगाई भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज आप लोग घर से बाहर निकल करके वोट कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसलिए वोट डाल रहे हैं कि देखिए पिछले 10-12 साल से जो यहाँ पर जुल्म हो रहा है, उन जालिमों से हम आज़ादी चाहते हैं। मतलब उसमें जो मैं खुलम खुला कहूँगा, बीजेपी ने जो यहाँ पर खिलवाड़ हमें साथ किया, हमारा 370 35A छीन लिया, यहाँ पर जुल्म हुआ, घर घर में इसे लेकर के नाराज किया, बिल्कुल घर घर में मारदाड़ हो रहा है, यहाँ का मतलब जो हमारे अपने नुमाइंदे होते थे उनको यहाँ से हटाया गया है, यहाँ हिंदुस्तान के बाहर वाले स्टेट से लोग यहाँ कहीं और से जो बाहरी कैंडिडेट्स हैं उनको उतारा गया है, और इसके अलावा क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर जो बिजली है, पानी है, सड़कें, उसका भी मुद्दा है। बिल्कुल कुछ है नहीं, पिछले 10 सालों से कुछ हमें मिला नहीं, सब कुछ मतलब बंद कर देगा। हम कश्मीर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो फ्रूट इंडस्ट्रीज है, उसको यहाँ से जब गाड़ी हम लोड करते थे उसको बीच रास्ते में रोकते थे अंबानी और अडानी के लिए, फिर एक साथ 100 200 300 गाड़ियों को छोड़ते थे और बाहर उनका मतलब जो पैसा ही मिलना चाहिए था
उस हिसाब से नहीं मिलता था जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो जाए। तो इसलिए हम यह कहें क्या कहें, यहाँ क्योंकि यहाँ से सोपोर की जो सबसे बड़ी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है वो भी लगती है। हालांकि विकास के मुद्दे के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ विधानसभा चुनावों में हावी नजर आ रहे हैं। लोग खुश भी है, उत्साहित भी है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ खास है आज अंतिम चरण के क्योंकि ये मतदान हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नेताओं के वादों और जीत हार के दामों के बीच जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का रण है, वो रण जिसके लिए सभी दलों के नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरों की खामियों को गिनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अंतिम चरण की बात करें तो 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल हैं। 40 सीटों के लिए 415 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 39,18,000 मतदाता शामिल हैं। मतदान की निगरानी के लिए 20,000 से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। बीते 2 चरणों की बात करें तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ, 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान। अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है। वहीं 7 जिलों की 40 सीटों की बात करें तो जम्मू में 11 सीटें, बारामूला की 7 सीट, कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीट, कठुआ की 6 विधानसभा सीट, उधमपुर की 4 सीटें, बांदीपोरा की 3 सीट, सांबा की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वाहनों के लिए जीपीएस की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जिसमें सबसे अहम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज का कश्मीर बदल चुका है। युवा विकास की बात कर रहा है तो बुजुर्ग पहले के हालातों को याद कर बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी चरण के बाद सबकी नजर 8 अक्टूबर पर होगी, जब चुनावी नतीजे सामने होंगे और तभी ये साफ होगा कि 10 साल बाद हुए चुनाव का सिकंदर आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।